सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स। पहले फाइव मल्टीपल्स लिखने हैं, किसके? फाइव, एट और नाइन के। तो मल्टीपल में मैंने आपको क्या बताया था, मल्टीपल में उसी नंबर की टेबल लिखते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल में उसी नंबर की क्या लिखते हैं? टेबल लिखते हैं। तो फाइव है, तो फाइव के मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे? फाइव, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो 5 ही राइट करने के लिए कहा था फर्स्ट 5, तो इसके सारे क्या हो गए, ये मल्टीपल्स हो गए 5 के। ठीक है, अच्छा उसके बाद 8 का, तो 8 की टेबल भी 5 तक पढ़ लेते हैं हम। तो 8 के हो जाएंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो हो गए फाइव मल्टीपल्स इसके, एट के। अब नाइन के लिखने हैं, तो नाइन के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे? नाइन की टेबल फाइव तक पढ़ लो। नाइन वन जा नाइन, नाइन टू जा एटीन, नाइन थ्री जा 27, नाइन फोर जा 36 और नाइन फाइव जा 45। तो ये किसके मल्टीपल्स हो गए? नाइन के। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करना, हमने मैच करना है, इनको सही मिलाना है। ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है, तो हमने देखेंगे कि भाई ये इसका मैच किसके साथ हो रहा है। अब देखो 35 है, अब 35 मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7। अब देखो 7, 7 की टेबल में आता 35, अभी हमने बताया था उसी की टेबल में आना चाहिए। तो इसका मैच किसके साथ हो जाएगा? इसके साथ हो जाएगा कि जो 35 है मल्टीपल है किसका? 7 का। अब 15, अब 15 का देखो यहां तक तो नहीं है, ये 70, ये 30 और ये 50 और ये 20। तो देखो 30 की टेबल, 30 के अगर फैक्टर करें तो 15 इसका फैक्टर है, 15 टू जो 30 होता है, इसकी टेबल में आता है 15 से 30 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, तो 15 का जो फैक्टर है, ये फैक्टर ऑफ 30, तो 15 किसका फैक्टर आ गया? 30 का। तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। उसके बाद देखो 16, अब 16 में मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 की टेबल में आता है 16, तो इसका मैच हो जाएगा किसके साथ? एक के साथ। इसका मैच किसके साथ हो जाएगा? एक के साथ। अब 20 का देखते हैं, अब 20 में ये देखो 8 7 70 30 और ये 50 20, 20 किसका फैक्टर होगा? 20 का फैक्टर होगा, तो इसके साथ ये मैच कर देते हैं। अब बच गया 25, तो 50 का फैक्टर होगा 25, 25 से 50 डिवाइड हो रहा है, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? ये फैक्टर ऑफ 50, 50 का फैक्टर कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरह से हमने इनको मैच कर दिया। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में क्या है, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 100 तक हमने 9 के सारे मल्टीपल्स राइट करने हैं, मीन 9 की टेबल को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो हम ये लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9, मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100, अप टू 100 कितना कर देंगे हम? 9, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 सिक्स जा 54, 9 सेवन जा 63, 9 एट जा 72 और 9 9 जा 81, 9 10 जा 90। अभी 90 तक आए हैं, कितने तक आए हैं? 90 तक। हमने कहां तक लिखने हैं? 100 तक। तो 9 की टेबल कैसे बन रही है? उसमें 9 ही तो ऐड होते जा रहे हैं, तो इसमें क्या जाएगा लास्ट कितना आ जाएगा? 99। तो ये 9 के मल्टीपल्स हो गए अप टू 100 तक। इसके साथ अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट।